वेल रिसर्च्ड हैं, वेल रिसर्च प्रोडक्ट्स हैं और उनके रिजल्ट्स बहुत ही बढ़िया आ रहे हैं। और अभी तक तो हमने 100% तक का रिजल्ट्स जो हैं अच्छे ही सुने हैं, कोई अभी तक नेगेटिव सुना नहीं गया है। रहा बिजनेस प्लान, बिजनेस प्लान तो बहुत ही उम्दा है। ऐसा प्लान ना कभी आज तक हम लोगों ने देखा, ना सोचा ना समझा, लेकिन वो बन गया और 11 साल से चल रहा है। इसका मतलब बहुत ही सक्सेसफुल प्लान है और ये एक इकलौता ही प्लान हो रहेगा क्योंकि पेटेंटेड प्लान है। तो दोस्तों, हर एंगल, हर एस्पेक्ट से ऑटोमी जो है वो बेस्ट बिजनेस है। अभी हम आज का टॉपिक पे आते हैं क्योंकि आज का टॉपिक जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो दोस्तों, हम सबकी कोई ना कोई चाहत जरूर होती है। कुछ चाहते हमारी पूरी हो पाती हैं और कुछ चाहते जो है वो पूरी नहीं हो पाती। वजह क्या है? वजह एक बहुत सिंपल सी है कि पैशन मिसिंग होता है। पैशन अगर मिसिंग होता है तो हम लोग कभी भी उस बिजनेस में ज्यादा का ज्यादा काम नहीं करते हैं, समझते नहीं हैं। इसी वजह से हम उस बिजनेस में या उस कोई भी काम में हम लोग घुसते नहीं हैं, डिटेल में जाना नहीं चाहते हैं, इसीलिए सक्सेसफुल भी नहीं हो पाते हैं। दोस्तों, एक बहुत फेमस डायलॉग तो आप सबने सुना ही है कि किसी चीज को आप शिद्दत से चाहें तो पूरी कायनात आपको मदद करती है उस चीज तक पहुंचाने के लिए, उस रिजल्ट को आपके पास लाने के लिए। तो वो क्यों होता है? शिद्दत मतलब पैशनेटली, बहुत दिल से लगे रहिए, जुड़े रहिए। जब आप दिल से किसी भी चीज को लगे रहते हैं, जुड़ते रहते हैं, उसके बारे में और जानना चाहते हैं, जैसे जैसे आप और जानते रहते हैं, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता रहता है और आपका इंटरेस्ट भी बढ़ता रहता है। कोई भी चीज जो इंटरेस्टिंग हो वो दिल से करी जाती है, और जो भी चीज आप दिल से करते हैं उसमें तो फिर कायनात आपकी मदद करेगी ही करेगी, क्यों नहीं करेगी। तो दोस्तों, आज हम जानते हैं अपने पैशन को। उस पैशन को किस तरीके से पहले जानिए, समझिए, किस तरीके से आप फॉलो कर सकते हैं और आप उससे उपलब्धियां किस हद तक कर सकते हैं, किस हद तक आपको सक्सेसफुल बनाने में ये पैशन जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो मैं वेलकम करूंगी गीता तनेजा जी को। बहुत जरूरी है तनेजा जी, आइए सबको जोड़ना प्लीज आपने। और हमें गाइड करिए। थैंक यू, वेलकम गीता जी। कोई बात थैंक नहीं, थैंक यू सो मच। आपकी गाइडेंस हमेशा हमारे साथ है। जहाँ कहीं भी हमें लगता है कि हम भटक रहे हैं या मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप सभी से, प्लीज एक बार अपना माइक म्यूट कर लीजिए सो दैट आप इस टॉपिक को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। और ये एक मीटिंग कंटिन्यूशन की मीटिंग है, उस मीटिंग के बाद आप लोग चाहें तो अपने क्वेश्चंस, अपना व्यूज एक एक करके रख सकते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप प्लीज अपना माइक म्यूट कर लीजिए। थैंक यू सो मच। एंड फ्रेंड्स, जैसा कि हम देख पा रहे हैं ये एक टॉपिक है, शायद आप ऐसा महसूस करेंगे कि ये ऐसा टॉपिक है जो पता नहीं इतना रेलेवेंट है भी या नहीं। ये एक शायद आपको इतना रेलेवेंट टॉपिक नहीं लग रहा होगा, लेकिन पैशन का होना किसी भी काम को करने के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इसको मैं दो स्टोरीज के साथ लिंक करके आपके सामने आज प्रेजेंट करने वाली हूँ। फ्रेंड्स, हमें हर परेशानी, हर हर्डल को ओवरकम करके अपने पैशन के थ्रू अपने गोल तक पहुंचना है। दिस इज द मोटिव, दिस इज द मोटिव ऑफ एवरीबडीज लाइफ। हर किसी की लाइफ का एक यही मोटिव है कि उसको अपने गोल तक पहुंचना है। नो मैटर कितनी आपको दिक्कत आती है, नो मैटर कितनी आपको हर्डल्स का सामना करना पड़ता है, जस्ट कीप गोइंग कीप गोइंग कीप गोइंग एंड दैट कीप गोइंग का कंसिस्टेंसी ही सक्सेस है। वो ही आपको आपके पैशन तक, आपके गोल तक लेकर के जाएगी। फ्रेंड्स, पिछली एक मीटिंग में हमने डिस्कस किया था 80-20 रूल। आज हम डिस्कस करेंगे जापानीज वन थ्योरी, दैट इज इकिगाई। फ्रेंड्स, इकिगाई एक बहुत ही पुरानी थ्योरी है जो जापान में
फॉलो की जाती है। ये ओकिनावा एक जगह है जहां पर कहा जाता है कि सबसे ज्यादा लंबी उम्र के लोग रहते हैं, यानी कि वहां के रहने वाले जो बाशिंदे हैं वो इकिगाई को फॉलो करते हैं। और बिकॉज उस थ्योरी को फॉलो करने की वजह से जो डे टू डे में हम लोग भी चाहें तो इसका कुछ हिस्सा इस्तेमाल कर सकते हैं, इसे यूज कर सकते हैं, और उस थ्योरी को यूज करके वो कैसे एक लॉन्ग लाइफ, एक हैप्पी लाइफ, एक पीसफुल लाइफ और एक पर्पसफुल लाइफ जीते हैं, इसके बारे में आज मैं आपको थोड़ा सा बताते हुए इसे एटमी के साथ लिंक करूंगी कि कैसे जैसे हमने 80-20 को लिंक किया वैसे हम एक और थ्योरी इकिगाई को कैसे लिंक कर सकते हैं अपने पैशन के साथ और अपने गोल अचीवमेंट के लिए। सो फ्रेंड्स, इकिगाई का मतलब है अ रीजन फॉर बीइंग। जब हम इस दुनिया में आए हैं तो हमारे आने का कोई एक वजह है, हमारे आने का कोई एक रीजन है, उस रीजन को वर्थ बनाना है, वो हमारा काम है। सो आगे चलते हैं। इकिगाई के ऊपर मैं बहुत ज्यादा डेप्थ में बात नहीं करूंगी क्योंकि ये इतना रेलेवेंट नहीं है, जस्ट एक इंट्रोडक्शन दूंगी कि इकिगाई बेसिकली है क्या। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इकिगाई एक थ्योरी है जिसमें हम एक परफेक्ट बैलेंस बनाते हैं अपनी स्किल्स का, अपनी नॉलेज का और अपनी एक्टिविटीज का। इन तीन चीजों का जब हम एक बैलेंस बनाते हैं तो हम आगे कैसे बढ़ते हैं और किन चीजों में बढ़ते हैं, इस थ्योरी का काम है। सबसे पहले व्हाट यू लव, आपको सबसे ज्यादा क्या करना अच्छा लगता है। दूसरे नंबर पर आता है व्हाट यू आर गुड एट, आप क्या करने में बेहतर हैं। तीसरे नंबर पर आता है व्हाट यू कैन बी पेड फॉर, जो आप करना अच्छा लगता है, कौन सा काम आप अच्छे से कर सकते हैं और वो कौन सा काम है जिससे आपको आपका प्रोफेशन बन जाए और आप जिससे कुछ कमा भी सकें। जब ये तीन चीजें आप इस ऑर्डर में फॉलो करेंगे या करते हैं जैसा कि थ्योरी कहती है, तो आप वो करने में कामयाब होंगे जिसकी इस संसार को जरूरत है। अगेन, व्हाट यू लव, व्हाट यू आर गुड एट, व्हाट यू कैन बी पेड फॉर, व्हाट द वर्ल्ड नीड्स, दैट इज द टोटल थ्योरी ऑफ इकिगाई। इकिगाई पर्पसफुल लाइफ जीने का एक छोटा सा थ्योरी है। इसको थोड़ा सा और मैं इलाबोरेट करूंगी समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से। जिस ऑर्डर में ये नंबर आए हैं उसी ऑर्डर में हमें फॉलो करना, यानी कि नंबर वन यू हैव टू आइडेंटिफाई आपका पैशन क्या है, आपको क्या करना अच्छा लगता है, उस पैशन के बाद प्रोफेशन से लिंक करना है कि आप किस काम को करने के लिए अच्छे हैं। आपका जो पैशन है उसको प्रोफेशन से लिंक कीजिए, प्रोफेशन को लिंक कीजिए वोकेशन से, यानी कि जो आपका प्रोफेशन है उसके अंदर अपनी मास्टरी लाइए, उसके अंदर सीखिए, अपनी स्किल्स को पॉलिश कीजिए। और जब आपका पैशन, प्रोफेशन और वोकेशन का एक लाइन अप बैलेंस होगा तो आप एक मिशन में सक्सेसफुल होंगे कि आपकी वजह से आप वर्ल्ड को या सोसाइटी को या एनवायरमेंट को क्या दे सकते हैं। तो ये एक छोटी सी थ्योरी है इकिगाई। इस थ्योरी को आप अपने लाइफ के हर फील्ड में इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो पर्सनल रिलेशंस हो, चाहे वो प्रोफेशन हो, चाहे वो हमारे आपस के घर के रिलेशंस हो या फ्रेंड्स के, एनी काइंड ऑफ रिलेशन एंड प्रोफेशन। अगर इसको आप समझेंगे तो आप पाएंगे कि यस, ये एक अच्छा थ्योरी हो सकता है जो हमें हर तरीके से पीसफुल रहने को भी प्रेरित करता है। और हम जानते हैं कि अगर मन की शांति है जो हम कर रहे हैं और उसको करने के बाद हम अपनी आमदनी का भी जरिया बनाते हैं और कुछ कंट्रीब्यूट भी करते हैं सोसाइटी को, तो आपको ये एक बहुत ही पीसफुल फीलिंग देता है कि यस, आप कुछ अच्छे रास्ते पर हैं। सो फ्रेंड्स, इसको मैं आगे एक और छोटी सी साइकोलॉजिकल थ्योरी से भी लिंक करूंगी क्योंकि शायद इकिगाई से आप रिलेट नहीं कर पा रहे होंगे ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि ये थ्योरी काफी हद तक
कॉमन मैन तक नहीं डिलीवर हुई है. लेकिन जो थ्योरी मैं अभी एक और लिंक कर रही हूँ वो है बेसिक एट्रीब्यूट्स. हम जितने भी लोग हैं हम सब कुछ स्पेसिफिक क्वालिटीज यानी कि जो हमारी साइकोलॉजीज के साथ इस दुनिया में आए हैं, इसे कहते हैं प्री इंस्टॉल्ड साइकोलॉजीज, पिप्स. ये सब मैंने रीसेंट की कुछ ट्रेनिंग्स में लेसन्स अटेंड किए और सीखा. जो मैं सीख पाई वो मैं आपसे शेयर कर रही हूं. आगे चलते हैं. ये वो नीड्स हैं फ्रेंड्स जो सब में है, हर किसी इंसान में ये छह नीड्स हैं, ये छह क्वालिटीज हैं. और ये मेन छह नीड्स और या क्वालिटीज या साइकोलॉजीज हैं जो आपको हर चीज में कामयाब बनाने में सहायक होंगी अगर आप इसे एक बार अच्छे से समझ लें. जैसे कि आपकी स्क्रीन पर छह ऑर्डर में दिए हुए हैं. एक्चुअली ये ऑर्डर सबका सेम नहीं होता. किसी की लाइफ में सर्टेनिटी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, किसी की लाइफ में अनसर्टेनिटी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, किसी के लिए ग्रोथ ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, किसी के लिए सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंट होती है, किसी के लिए कनेक्शन और किसी के लिए कॉन्ट्रीब्यूशन. फ्रेंड्स अगर आज अपने टूल्स के साथ रेडी होके आए हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि ये छह एट्रीब्यूट्स आप अपनी डायरी में लिखेंगे तो जो इसके अगली स्लाइड है उसमें आप अपने आप को आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि मैं एटमी में जब आया हूं या आई हूं तो मुझे इनमें से कौन सा एट्रीब्यूट या कौन सी ऐसी क्वालिटी है जिससे मेरे को मास्टरिंग लगी, क्योंकि वो मेरा सबसे पॉजिटिव पॉइंट है. क्योंकि इन पॉइंट्स को मैं अभी आपके सामने एक्सप्लेन करूंगी और उन पॉइंट्स के एक्सप्लेनेशन के बीच में ही एटमी की सक्सेस छुपी हुई है. जैसे ही आप आइडेंटिफाई करेंगे कि मेरे लिए ग्रोथ मेरी पर्सनल नीड है, मेरी बेसिक नीड है, मेरी साइकोलॉजिकल नीड है, तो आपका सारा फोकस शिफ्ट हो जाएगा कि मैं ग्रोथ में इकिगाई को ऐड करके मेरे को क्या पसंद है, मैं क्या कर सकता हूं, मुझे क्या करना चाहिए और मुझे क्या पॉलिश करने की जरूरत है और मैं कैसे कॉन्ट्रीब्यूट करूंगा या करूंगी सोसाइटी को. सो अब मैं एक वर्ड में इसका एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ. आई होप आप लोगों ने ये पॉइंट्स लिखे होंगे क्योंकि माइंड में फ्रेंड्स इतनी सारी चीजें नहीं रहती हैं. इसीलिए हमारी कोशिश होती है कि आपसे रिक्वेस्ट करें कि जब आप ट्रेनिंग्स में आते हैं, किसी भी ट्रेनिंग में जाते हैं, आप अपने टूल्स को साथ लेकर के जाइए. हम लोगों का जो बेसिक टूल है वो है एक कॉपी और एक पेन. कोशिश कीजिए डायरी वो लेके जाइए जिसमें आपने अपना गोल लिखा है, वो गोल जिसको पाने के लिए हम हर एक सेशन अटेंड करते हैं, हर एक नए इंसान की बात सुनने को तैयार हैं, क्योंकि हमें ये लगता है कि ना मालूम किसकी बात हमें क्लिक कर जाए और हमें आगे बढ़ने का रास्ता हमारा स्मूथ हो जाए. तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, इन पॉइंट्स को मैं अब माइन्यूटली क्लियर करूंगी और उसके बाद डिटेल में एटमी से लिंक करूंगी. फ्रेंड्स सर्टेनिटी कि नीड वाले लोग सबसे पहले कोई भी काम करते हैं तो उसमें वो देखते हैं इसमें रिस्क फैक्टर लगभग जीरो होना चाहिए. दे वांट सिक्योरिटी, कंप्लीट सिक्योरिटी. सर्टेनिटी जिनकी डिमांड में नंबर वन पे आती है उनके लिए रिस्क फ्री काम ही बेस्ट है. नंबर टू पे अनसर्टेनिटी है. अनसर्टेनिटी चाहने वाले लोग वो होते हैं जो एडवेंचर में बिलीव करते हैं, जो नई नई चीजों को एक्सप्लोर करने में हिचकते नहीं है, जिन्हें नई चीजें ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं क्योंकि उसमें कुछ नया करने को होता है, समथिंग डिफरेंट करने को होता है. नंबर थ्री पे आता है सिग्निफिकेंस. सिग्निफिकेंस के एट्रीब्यूट वाले लोगों को पसंद आता है कि ऐसा कोई काम जहां उनकी लीडरशिप की स्किल्स निखर कर आए, जहां उनको कोई रिकग्नाइज करे कि यस ये आपकी क्वालिटी है और आप हमसे कनेक्ट हुए और हमारी जिंदगी में कुछ बदलाव आया. देन आता है कनेक्शन. फ्रेंड्स कनेक्शन है जिनको नए नए लोगों से मिलने का शौक है, जो मतलब कि गैदरिंग में बहुत खुश होते हैं, जिन्हें जिसे कहेंगे कि जो एक्सट्रोवर्ट काइंड लोग होते हैं.
कि जो भीड़ से घबराते नहीं है, जो ग्रुप ऑफ लोगों से घबराते नहीं है, वो कनेक्शन उनका एट्रीब्यूट एक ज्यादा वेटेज रखता है। नेक्स्ट नंबर पर है कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन देने वाले वो लोग होते हैं जो कहते हैं कि अगर हमें इस जिंदगी ने कुछ दिया है, अगर हम किसी काबिल हैं, तो उसको मैनिफोल्ड करके एनवायरमेंट या सोसाइटी या लोगों की लाइफ में बदलाव लाएं। ग्रोथ चाहने वाले लोग वो होते हैं जो अपने गोल को लेकर के बहुत फोकस्ड होते हैं, नो मैटर उन्हें सिग्निफिकेंस मिल रही है या नहीं मिल रही, उनका लोगों से जुड़ाव है या नहीं है, वो लोगों की लाइफ में कुछ ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, नो मैटर इसमें एडवेंचर है, नो मैटर इसमें रिस्क है, उनका प्राइम गोल अगर ग्रोथ है तो ग्रोथ उनका पहला एट्रीब्यूट होता है। आई होप इस पॉइंट्स में मुझे कोई ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगी, एंड अगर कुछ भी डाउट होगा तो वो हम इस सेशन के बाद क्लियर कर लेंगे। सो जैसा कि मैंने आपको बताया फ्रेंड्स, एटमी सॉल्यूशन है ऐसे सारे सवालों का, ऐसे सारी जरूरतों का। जो अभी हमने एट्रीब्यूट डिस्कस किया है, ये हर इंसान की बेसिक एट्रीब्यूट है, मोर और लेस इसी से जुड़ी हुई है, और ये मैंडेटरी है हर इंसान के लिए किसी भी बिजनेस को ज्वाइन करने से पहले। हर इंसान उन 6 एट्रीब्यूट्स में से उस टिक मार्क लगाता है कोई भी बिजनेस ज्वाइन करने से पहले कि क्या ये ऐसा है, क्या ये ऐसा है, इसमें ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, एटमी में हमें ये 6 के 6 पॉइंट्स कैसे मिलते हैं, मैं उसको कम से कम शब्दों में आपके सामने पेश कर रही हूँ। एटमी में सर्टेनिटी नंबर 1 पे ऐसे है कि ये 0 रिस्क इन्वॉल्व्ड कंपनी है, 0 रिस्क इसमें आपका रिस्क है कि आपने इन्वेस्टमेंट की आपका पैसा डूब गया, ऐसा कुछ नहीं है, कंप्लीटली रिस्क फ्री बिजनेस, यहां गंवाने को कुछ भी नहीं है। तो जो भी कोई प्रोस्पेक्टिंग के टाइम पे आपको सर्टेनिटी का आपका पॉइंट किसी को लगता है कि मुझे ऐसा काम करना है, पैसे चाहे कमाए लेकिन सिक्योर होना चाहिए, तो उनके लिए सर्टेनिटी सबसे ज्यादा जरूरी है। तो सिक्योरिटी एटमी ने आपको दे रखी है, ये आप सब लोग जानते हैं कि कम से कम अमाउंट लगा करके आपका लाइफ लॉन्ग आईडी चलता है और बेसिक नीड आपका सामान है एटमी में मिलता है, आपको जो पसंद आए अपनी जरूरत के हिसाब से आप खरीद सकते हैं। नंबर 2 पे आता है अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी एडवेंचर के जो लोग हैं, जो लोग ट्रेवलिंग पसंद करते हैं, उन लोगों के लिए ये बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है कि आपके पास इतनी मौके मिलते हैं जब आपकी टीम ग्रो करती है, आप कोई मास्टरशिप अचीव करते हैं, आपको ट्रेवल करने का मौका अपनी टीम से मिलने के लिए भी मिलता है, और जब आप कुछ मास्टरशिप अचीव करते हैं तो जब उसमें आपको इंसेंटिव्स मिलते हैं, ट्रेवल पैकेजेस मिलते हैं, तो ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसमें सिक्योरिटी के साथ साथ एडवेंचर भी है। नेक्स्ट हम चलते हैं पॉइंट नंबर 3, दैट इज सिग्निफिकेंस लीडरशिप। ये एक ऐसा मंच है जहां से सबकी छुपी हुई प्रतिभा निकल के आगे आती है, सबका टैलेंट निकल के आगे आता है। हम सब अपनी अपनी लाइफ में लीडर हैं, सिर्फ हमें उस स्किल को पहचानने की देर है कि क्या मैं इसमें भी अपनी लीडरशिप स्किल इस्तेमाल कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो अननोन को भी नोन पर्सनालिटी में कन्वर्ट कर सकता है, अगर वो इसको सिस्टम से चलते हुए आगे बढ़ते हैं और अगर उनका वो नंबर 1 एट्रीब्यूट है तो। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है कनेक्शन। कनेक्शन आप लोग बिल्कुल क्लियर समझ चुके हैं, ये है एसोसिएशन विद टीममेट्स। ये एक ऐसा बिजनेस है जो लोगों पर आधारित है, यहां पर आप लोगों के साथ बातचीत करते हैं, कंज्यूम किए हुए प्रोडक्ट्स के बारे में रिकमेंडेशन करते हैं, अपनी टीम के प्रॉब्लम्स को समझते हैं, टीम को मोराल बूस्टिंग करते हैं, कोई भी वक्त देखे बिना टीम के लिए हेल्प के लिए आगे आते हैं। तो ये वो सारी चीजें हैं जो अगर आपके अंदर कनेक्शन वाला फील स्टार्टिंग के नंबर 1, 2, 3 में आता है तो यू विल फील कि आप एक अच्छे लीडर में कन्वर्ट होकर के अपनी पूरी टीम को आगे लेकर के चलने में
कामयाब होंगे। तो ये एटमी में आपको भरपूर मिलेगा, क्योंकि इस बिजनेस के अंदर अनलिमिटेड लेवल ऑफ इनकम का स्कोप है। आपकी टीम में अनलिमिटेड लेवल तक के टीम एसोसिएट्स आपको मिलेंगे। सो स्कोप बहुत है इसमें, आपको सिर्फ ढूंढना है। आपके लिए मैच द फॉलोइंग में इन 6 एट्रीब्यूट्स में से कौन सा एट्रीब्यूट्स स्टार्टिंग में आता है। देन फ्रेंड्स है कॉन्ट्रीब्यूशन। एटमी इज नोन फॉर गिविंग बैक टू द एनवायरमेंट, गिविंग बैक टू द सोसाइटी। हम ये अक्सर मीटिंग्स और ट्रेनिंग्स में देखते हैं कि कैसे डॉक्टर हैंगिल पार्क सर इस चीज में बिलीव करते हैं कि हमें सोसाइटी को किसी ना किसी फॉर्म में वापस देना है। उसी तरीके से हम सब में भी ये एक पार्ट होता है, कम या ज्यादा, कि हम चाहते हैं कि हम जिनकी जिंदगी से जुड़े उनकी जिंदगी में हमारी वजह से अगर कुछ बदलाव आता है तो उससे बेहतरीन कोई भी बात नहीं हो सकती है। तो ये कॉन्ट्रीब्यूशन का जो आस्पेक्ट है ये आपके बहुत काम आ सकता है। अगर आप इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं तो एटमी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म आपके लिए साबित होगा। फ्रेंड्स फिर है ग्रोथ। जनरली रिस्क से भी ऊपर, यानी सर्टेनिटी से भी ऊपर अगर कोई किसी के माइंड में एट्रीब्यूट होता है ना, वो ग्रोथ होता है कि हम इसमें कहां तक जा सकते हैं। उसके बाद वो सोचते हैं कि रिस्क कितना है, एडवेंचर कितना है, आगे कितना बढ़ सकते हैं, कितने लोगों से मिलेंगे, कितना कॉन्ट्रीब्यूशन हम लोगों की जिंदगी में कर पाएंगे। लेकिन ग्रोथ कहीं ना कहीं 1-2-3 पायदान पर रहता है, 1-2-3 टॉप 3 ऑर्डर्स में रहता है, किसी का नंबर 1, किसी का नंबर 2, किसी का 3। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आप सबकी ओपिनियन मेरे से बिल्कुल डिफर कर सकती है, लेकिन ग्रोथ कहीं ना कहीं स्टार्टिंग के नंबर्स में हमें देखने को मिलती है। तो फ्रेंड्स ग्रोथ एक ऐसा एट्रीब्यूट है एटमी के अंदर, आप आगे बढ़ने का सोचिए तो सही, ड्रीम कितना बड़ा देखना चाहते हो देखिए तो सही, कामयाब कैसे होगे वो आपके टीम आपको लेके जाएगी। आप अपना गोल डिफाइन कीजिए, अपना गोल इतना बड़ा रखें, ड्रीम बिग, ड्रीम विविडली, क्योंकि ड्रीम्स फुलफिल होते हैं, गोल अचीव होते हैं। करना सिर्फ एक ही है, आपको सिर्फ और सिर्फ सिस्टम के साथ चलना है, और सिस्टम के साथ चलते हुए और पर्सनल एट्रीब्यूट्स और इकिगाय दोनों का जो मैं आपको मिश्रण क्रक्स निचोड़ के अगर बताऊं तो फ्रेंड्स पैशन को प्रोफेशन में बदलो, प्रोफेशन को वोकेशन में बदलकर मास्टरी हासिल करो, और मास्टरी हासिल हो जाए तो दुनिया को वो दो जो आपने सीखा है, ताकि किसी और की जिंदगी में आप बदलाव ला पाए। एटमी में कामयाबी के लिए कुछ ज्यादा नहीं करना, आपको सिर्फ अपने दिन का 24 घंटे का 1% ओनली फ्रेंड्स 1% विद फुल पैशन, पूरी शिद्दत के साथ देना है, सिर्फ 1% ये मिनिमम है फ्रेंड्स। जितना ज्यादा आप इसमें शिद्दत से आएंगे उतनी जल्दी आप कामयाब होंगे। तो मिनिमम 1% 24 घंटे का अगर आप देते हैं, जो कि सिर्फ 15 मिनट आपके दिन के होते हैं, अगर 15 मिनट आप कंस्ट्रक्टिवली एटमी बिजनेस को देते हैं तो इसमें आपको क्या मिल सकता है, वो है आपको लर्निंग भरपूर मिलेगी, अपने आप को जानने का मौका मिलेगा, नए लोगों से मिलने का मौका मिलेगा, घर बैठे बैठे बिजनेस कैसे होता है वो मिलेगा। करना सिर्फ ये है, अपने प्री पेड एम्प्लॉई, फिर से बताती हूँ, अपने प्री पेड एम्प्लॉई जो कि है आपका प्यारा फोन जिसे आप एक मिनट के लिए अपने से अलग नहीं करते, सिर्फ उसे उस 15 मिनट के अंदर काम दे दीजिए। अपने दिन के कंस्ट्रक्टिव 1% टाइम में से वो आपने काम देना है अपने सबसे मेहनती इंप्लॉई को, जो कि ऑलरेडी प्रीपेड है, वो आपसे रेगुलर कुछ नहीं मांगता, उसका फूड और फ्यूल है, चार्जिंग एंड द डेटा पैक वो दीजिए उसे, वो आपका काम करेगा 24/7 24 घंटे 7 दिन 365 डेज। क्या करना है, आपने जो भी सीखा है उसको अपनी टीम तक पहुंचाना है, अपने लोगों तक पहुंचाना है, और प्रोस्पेक्टिंग के लिए जो भी माध्यम आपको अच्छा लगता है, जिस माध्यम में आप कंफर्टेबल हैं, उस माध्यम के जरिए एटमी की जो बिजनेस है, एटमी का जो कॉन्सेप्ट है, वो लोगों तक पहुंचाना है।
कैसे हम अपने फोन को यूज कर सकते हैं, ये हम पिछली कई मीटिंग्स में डिस्कस कर चुके हैं, मैं आज फिर उस टॉपिक को नहीं उठाऊंगी। सो बेसिकली फ्रेंड्स, 15 मिनट की मेहनत, कंज्यूम बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स, रेकमेंड बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड अर्न बेस्ट क्वालिटी इनकम थ्रू आउट योर लाइफ, एंड आने वाली दो जनरेशन के लिए वो है एटम। सो इसी के साथ मैं आप सबको बहुत बहुत मेरी तरफ से, टीम मेहर की तरफ से विशेष हैं, वर्क टुगेदर, ग्रो टुगेदर एंड बी इम्पीरियल। हम सब इस काबिल हैं कि इन सब चीजों को अपने ऊपर समझकर, सीखकर, आगे बढ़कर हम इम्पीरियल मास्टरशिप की तरफ बढ़ सकते हैं। कोई जल्दी पहुंचेगा, कोई देर से पहुंचेगा, लेकिन पहुंचेंगे सब जो कभी हार नहीं मानेंगे। जिसने कभी हारना नहीं सीखा ना, वो यहां जरूर पहुंचेगा। सो इसके साथ ही मैं अपना जो छोटा सा प्रेजेंटेशन है उसे ब्रेक दूंगी। आई होप फ्रेंड्स कि आप सबको मेरा ये एक एफर्ट पसंद आया होगा।